हां जी दोस्तों सारे नु मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल ते तुहाडा मैं अपने चैनल नूर देसी ब्लॉग विच बहुत-बहुत स्वागत करदी हां। उम्मीद करदी हां कि तुसी सारे बहुत वधिया होवोगे ते परमात्मा तुहानू इसे तरह चढ़दी कला विच रखे। दोस्तों अज विसाखी है, विसाखी दा त्यौहार बहुत वड्डा त्यौहार हुंदा है ते मेरे वालों तुहानू विसाखी दीआं लख लख वधाईआं होण। शाम दे वज रहे ने इस टाइम पौने पांच और बच्चे इधर बैठे ने आ देखो पढ़न, इन्हां दा हो गया पढ़न दा टाइम क्योंकि सो के उठ चुके ने दोने। मैं लगी हाँ सब्जी की तैयारी करन, करेले बनाने अज भर के आ देखो करेलिया नू पहला मैं उसदे विचों बीज कढ के ना इस तरह खाली कर ले वो, फिर इहदा मसाला बनाऊंगी क्योंकि करेले भर के बनाना बहुत टाइम लगता तो ये वास्ते तैयारी कम से कम घंटा पहला ही मैनू करनी पैनी। मैं हजे मसाला बनाना है, इस तरह बनाऊंगी करेले भर के परमा करेले और हाँ थोड़े जे बच गए इन्हों कट के बनाऊंगी। कल भी मैंने बनाए सी शामी, काफी स्वाद बने सी, बच्चों ने भी खा ले सी, है ना किरत स्वाद लगे सी कल करेले। हाँ फिर करेले खाने चाहिए, वधिया रहिंदे, शुगर वाले वास्ते तो बहुत ही वरदान हुंदे ने करेले, कड़वे हुंदे बट साडे शरीर नूं सही रहिंदे। तां दोस्तों आ करेलिया भरवें करेलिया का मसाला है जिहदे विच प्याज अदरक हरी मिर्च लसण ते जिहड़े करेले विचों मैं बीज कढे सी ना उह वी फिर मैं चिल्ली कटर विच उहनूं वी विचे ही पा दिंदी आ। तां इस तरह असी भरवें करेले बनाने, तां इह जिहड़ा मसाला है ना असी खाली करेलिया विच फिल करांगे, चंगी तरह फिल करना यार बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते, कुरकुरे जे बनते। कई लोगों को थोड़े घट कुरकुरे पसंद होंगे बट मैं थोड़े कुरकुरे जे बना दिंदी हाँ तो खाने विच भी टेस्टी लगते क्योंकि अजकल करेलिया का सीजन चल रहा फुल। अजे तो करेले महंगे है, ये वाले करेले मैं 60 रुपए किलो ले सी, अजे 60 है रेट क्योंकि ये अच्छे भी गर्मियों ही लगते वधिया है ना। तो चलो हुण असीं करेलियां बना लैंदे आ, ये सारे मैं भर के चंगी तरह, फिर ये मैं पहला सरों का तेल पाती हाँ। ये मेरी सरबलोह की कड़ाही है तो इस तरह की है ब्लैक ब्लैक सरबलोह के भांडे विच ही तुसीं मतलब बनाया करो। अगर सुकी सब्जी बनाते हो उहदे विच सानूं ज़्यादा तत् मिल जाते, आयरन वगैरह ज़्यादा मिल जाता सरबलोह के भांडे होंगे जिहड़े लोहे के भांडे होंगे, तो ये वाली कड़ाही मेरी वो है। तो बस तेल बाण के बाद फिर मैं उहदे विच पंज फोरन पा दिंदी हाँ, फिर उहदे विच जिहड़े करेले भर के रखे सी ना वह वाले पा देने। करेलिया ना मैं धागा लपेटिया साइड से कि जो असी करेलिया छेड़ा देवे तो साढ़े करेले खिलर ना जाण क्योंकि मसाला ये खिलर ना जाए, बस इन अच्छी तरह रझा के फिर ये देखो करेले इस तरह कुरकुड़े मतलब फिर धागा से निकाल देना तो काफ़ी टेस्टी बने सी। कीर्ति दे पापा तो यही खा रहे ने पिछले 2 दिन तो, मतलब पहला मैं कट के बनाए सी तो ये बने।
ਕਿਹਾ।